खींच करके नैया तेरे चौखट पे लाया और माझी बनाकर तुझको अपने दिल की नाव में बिठाया। अगर बाबा नाव डूब गई, तुम जिस नाव में बैठे क्या उसे डुबाओगे, तुम जिस नाव में बैठे क्या उसे डुबाओगे। एक बार हाथ उठाए बिल्कुल सीधे और ताली बजा के ही कहेंगे, इतना बता दो आएगा।
देखिए एक एक शब्द सुनिए, हमारे एक अंकल जी भी दिल्ली से, वो हेलो थोड़ा रिवर्ब कम कर दो इनको मेरा थोड़ा सा, ये सभी भक्त बड़े बड़े दूर से यहाँ बैठे हुए हैं। इस अंधियारे जीवन में वो मेरा शाम हो जाना पड़ी है, मेरा बाबा हर वक्त उसके साथ तैयार रहता है। दो शब्द सुनिए, जब जब किसी भक्त पर कोई भी दरकार पड़ी है, जब जब किसी भक्त पर कोई मुसीबत आई है, जब जब किसी भक्त पर कोई विपत्ति आई है, तो हर वक्त मेरा बाबा उसके साथ तैयार रहता है। सुनिएगा, क्योंकि घड़ी घड़ी की बात है भैया, हेलो घड़ी घड़ी की बात है भैया, सबसे है बलवान घड़ी, घड़ी घड़ी की बात है भैया, सबसे है बलवान घड़ी, करवा दे अपमान घड़ी और दिलवा दे सम्मान घड़ी। सुनो एक मिनट बैठ के यहाँ बैठा, घड़ी घड़ी की बात है भैया, सबसे है बलवान घड़ी, करवा दे अपमान घड़ी और दिलवा दे सम्मान घड़ी, घड़ी घड़ी पर ही आएगी बेशक महंगी बांध घड़ी, और सोना भी मिट्टी हो जाता है पहले जब आती है बुरी घड़ी, और जिसकी बुरी घड़ी आती है तो बाबा हमेशा तैयार रहता है। कैसे तैयार रहता है सुनिए, कहना सीधा, इस अंधियारे जीवन में वो मेरा शाम हो जाना, इस अंधियारे जीवन में मेरी सुनी बगिया में एक दिन माई बन भूल गिराए, चढ़ सावरा आएगा,
एक भजन और बड़ा सुंदर सा जिससे मेरी पहचान है सभी। आप सुनिए एक शब्द इस भजन का सुनिए, और खास तौर से मैं सोनू भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस भजन को बहुत गहराई से सुने। एक बाबा का प्रेमी बाबा के दर्शन करने के लिए फागड़ मेले में गया, जहां से बाबा के दरबार में एंट्री होती है, फागड़ मेले में वहां से एंट्री नहीं थी। पूरा राउंड घुमाने के बाद जब बाबा के दरबार में जाया जाता है, और आज वो गर्मी के मारे उसकी तबीयत खराब हो गई, हालत खराब हो गई, और उस शाम प्रेमी को, बाबा के प्रेमी को तबीयत खराब के कारण हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। सोनू भाई, जब हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया तो श्याम प्रेमी जो बस में उसके साथ गए थे, आज उसके पास आ गए, बोले बताइए आपकी तबीयत अब कैसी है। तब वो श्याम प्रेमी क्या कहने लगा उस श्याम भक्तों से, अब मेरा सफर यहीं तक का है, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, और मैं भगवान जी के पास बाबा श्याम के चरणों में जाने वाला हूँ, और जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ क्या करना। वो श्याम बाबा का प्रेमी श्याम बाबा के प्रेमियों से कहने लगा, आइएगा क्या गिरा सुनी है भाई, एक मिनट सामने आ जाओ मेरे, नजर से नजर मिलेगी जब आनंद आएगा, ये भजन तभी सुनाऊंगा। अनुज भैया आप भी आ जाओ ना, ना यहाँ जाओ, नीचे आ जाओ, माने तो करो। वो बाबा का श्याम प्रेमी जब उसकी तबीयत बिगड़ गई फागड़ महीने में गर्मी के कारण, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जो उसके साथ बस में सभी प्रेमी गए थे, आज वो प्रेमी उसके पास हॉस्पिटल में चले जाते हैं, और हॉस्पिटल में उससे पूछ रहे कि बताओ तुम्हारे लिए बाबा के दर्शन करा के लाए। बोले नहीं, अब मेरा अंतिम समय यहीं तक है, अब मैं बाबा के चरणों में जाने वाला हूँ, और जब मैं मर जाऊँ तो मेरे साथ क्या करना। अपने सुंदर से शब्दों को बयान कर रहा है वो श्याम प्रेमी, और कैसे कर रहा है सभी। हाँ जी, मैं इस वजह से मेरी पहचान बनी है। गुरु आप एक शब्द सुनिएगा, मुझे कहीं मत ले जाना, ना गंगा जी ले जाना, ना यमुना ले जाना, लेकिन मेरा क्या करना, क्या करना सुनिए। खाटू धाम के श्याम कुंड के जल में मुझे नहला देना, के जल में मुझे नहला देना, जल में मुझे नहला देना। और बाकी क्या करना, ज्योति की रज को लेकर के, ज्योति की रज को लेकर, जो बाबा की ज्योति जलती है, ज्योति की रज को लेकर मेरे माथे पे I'm
क्या करना, सुनिएगा क्या करना, क्योंकि बाबा का सबसे प्रिय रंग है केसरिया। मुझे तो फन मत उड़ाना जब मैं बोल जाऊं संजय भैया। केसरिया कपड़ा ले करके उसमें मुझे लिपटा देना, अर्थी को ले जाना और क्या करना। ओम श्री श्याम देवाय नमः के, ओम श्री श्याम देवाय नमः के, अग्नि प्रभु सिखला करा देना। और जब मैं अग्नि प्रवेश हो जाए चल करके मेरी चिता की राख बन जाए उस राख का क्या करना, सुनिएगा। कोई युक्ति ऐसी करना, जब मैं मर जाऊं मेरी चिता जल जाए और चिता जलने के बाद कोई युक्ति ऐसी करना, दो मुट्ठी में राख बनूं। ओ उस राख का क्या करना, जहां भक्तों के चरण पड़े, ओ भक्तों के चरण पड़े। कोई युक्ति ऐसी करना, दो मुट्ठी में राख बनूं। और गुरु को राख कहां पर फिरानी है मेरे श्याम प्रेमियों, सुन लो। कोई युक्ति ऐसी करना और दो मुट्ठी में राख बनूं। और उस राख का क्या करना, जहां भक्तों के चरण पड़े, बाबा तेरे जहां भक्तों के चरण पड़े, अरे जहां भक्तों के चरण पड़े। कोई युक्ति ऐसी करना, दो मुट्ठी में राख बनूं और जहां भक्तों के चरण पड़े, अरे उस रसते पर बिखरना करना। अगर बाबा से मैं की फरियाद कर रहा हूं, बाबा से मैं की दुआ कर रहा हूं, अगर मुझको दोबारा जन्म दे तो कहां दे और मेरा जन्म कैसा होना चाहिए। मानव जन्म मिले जो दोबारा, तो बाबा तेरा अष्ट पहर गुणगान करो। आदरणीय मेरे गुरु श्री राजू बाबरा जी ने लिखा है, कैसे विराज श्री आपको मैंने एक बार और सुनाया है, ध्यान करो। मानव जन्म मिले जो दोबारा, तो बाबा अरे तेरा अष्ट पहर गुणगान करो। लेकिन क्या करना, बना के मुझको अपना बाबरा, मानव जन्म मिले जो दोबारा, तो बाबा ऐसा होना चाहिए तेरा अष्ट पहर गुणगान करूं, बना के मुझको अपना बाबरा, अपनी घाटू की गलियों में भटका। Thank you.
भजन अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली।